अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। भोले भाले लोगों को अपने लोक लुभावन बातों में फंसाने वाले बाइक बोट संचालकों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 4,500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी के घर की कुर्की व गिरफ्तारी के बाद अब उनकी लग्जरी कारें बरामद करने का सिलसिला चल निकला है। जैगवार और फॉर्चुनर बरामद करने के बाद आज आर्थिक अपराध शाखा मेरठ ने मर्सिडीज व फॉर्चुनर कार भी बरामद कर ली। इससे पहले ईओडब्ल्यू मुख्य जालसाज संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल व भूदेव के घर की कुर्की कर चुका है। यह बात और है कि कुर्की में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे देखकर निवेशकों के दिल को कुछ सुकून मिल पाता। आज बुधवार को आर्थिक अपराध शाखा के एएसपी राम सुरेश यादव ने फर्स्ट बाइट को बताया कि गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड ने निवेशकों के पैसे से बड़ी संख्या में लग्जरी कारें खरीदी थी। इनमें से जैगुआर, मर्सिडीज व 2 फॉर्च्यूनर बीएन तिवारी ने अपने लिए रखी हुई थी। इनमें से जैगुआर वो 1 फॉर्च्यूनर कार ईओडब्ल्यू ने बरामद कर ली थी। यह बरामद की कोर्ट के आदेश पर मिले रिमांड पर बीएन तिवारी ने कराई थी। आज आर्थिक अपराध शाखा ने बीएन तिवारी की मर्सिडीज व 1 और फॉर्च्यूनर को बरामद कर लिया। आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड ने बाइक बोट नाम से बेहद लुभावनी स्कीम लॉन्च की थी। इसमें निवेशक को करीब 61,000 रुपये कंपनी को देने थे, जिसके एवज में कंपनी ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक बोट सड़क पर उतारती। बदले में हर माह करीब 10,000 रुपये निवेशक को मिलने थे। बाइक बोट की लॉन्चिंग में 2 IPS अफसरों की भूमिका भी बेहद संदिग्ध रही। माना जा रहा है कि इन लोगों द्वारा लॉन्चिंग किए जाने से लोगों का बाइक बोट के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई इन जालसाजों को सौंप दी। बाइक बोट घोटाले को फर्स्ट बाइट उस समय से लगातार उठाता रहा है जब मीडिया ने इस तरफ से आंखें मूंद ली थी। अभी महाघोटालेबाज संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल भी फरार चल रही है। अब तक करीब 22 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।